नागपुर के इतवारी रेलवे स्टेशन के बीच रात करीब 1:30 बजे दही बाजार पुल के किनारे भीषण आग लग गई। जैसे ही दमकल विभाग को सूचना दी गई, फायर ब्रिगेड की टीमों ने आग बुझाई और आग पर काबू पाया गया। मिली जानकारी के मुताबिक वहां के स्थानीय लोगों ने घर का कचरा सड़क किनारे जला दिया और उसे ऐसे ही छोड़ दिया और उस कूड़े की आग फैलकर पेड़ से जा टकराई। वहीं जलते हुए पेड़ों ने भीषण रूप धारण कर लिया। वहीं स्थानीय जमीन शेख के घर में भी आग लग गई। इसमें जमीन शेख के घर में रखे 1.5 लाख रुपए नगद जल गए और घर के कागजात भी जल गए। दिलीप चौहान, उप अग्निशमन अधिकारी, लकड़गंज फायर स्टेशन। इतवारी रेलवे स्टेशनच्या बाजूला 13:32 म्हणजे 1:32 आग लागली होती। त्यानंतर लकड़गंज अग्निशमन विभागाची गाडी क्रमांक 49-28 कर्मचारी रवाना झाले आणि आग आता पूर्णपणे आटोक्यात आहे, म्हणजे पूर्णपणे विझलेली आहे। आणि कारण काय आहे, आग लागण्याचे कारण अज्ञात आहे, काय निश्चित आज आम्ही इन्स्पेक्शन केल्यानंतर जानकारी झाली का? आतापर्यंत जानकारी झाली नाहीये। आग पूर्णपणे आग विझवण्याचं काम चालू आहे, त्यानंतर रिपोर्ट घेऊन पुढील कारवाई आम्ही सांगू। किती लोक त्याबद्दल आता माहिती घेतली नाही आम्ही, आग विझवण्याचेच कार्य सुरू आहे सध्याला। आता रिपोर्ट घेऊ, त्यानंतर कळेल। किती गाडी आली? 2 गाडी, एक लकड़गंज फायर स्टेशन आणि एक गंजीपेठ फायर स्टेशन। सर, मैं लालगंज झाड़े चौक भोला वर्मा बाजार समिति का अध्यक्ष। मुझे झाड़ी चौक से अंगार दिखी और लोगों ने बताया कि यहाँ पर अंगार लगी हुई है, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद में इतना भयानक धुआं निकल रहा था और अंगार सब जगह लग चुकी थी। यहाँ पर कारण पूछा गया अंगार लगने का, तो लोगों ने बताया कि जो ये झाड़ पीछे में रेलवे की वजह से होने की वजह से झाड़ पूरा सूख चुका था और ये कारण इसमें पहले अंगार लगी। अंगार लगने की वजह से तापमान का कम से कम 47 डिग्री धूप थी, इस कारण फिर बाजू में खड्डे कुछ रखे हुए थे, तो खड्डे को अंगार पकड़ने की वजह से पूरा घरों में अंगार लगी। और क्या बोलते हैं, यहाँ पर सिलेंडर जो था वो सिलेंडर समय रहते हुए निकाल लिया गया, लेकिन एक बात है कि बेचारा गरीब आदमी का, ये गरीब आदमी की थोड़ा मदद और सहयोग प्रधानमंत्री बोलो या आमदार के तरफ से होना चाहिए, कि उसके आगे पीछे करने वाला कोई नहीं है। कुछ जानकारी हुई क्या घटना में? 1,20,000 रुपए नकदी था, जो बेचारा आम का फल फ्रूट का व्यापार करता है, वो पैसे की भी जलने की जानकारी है और वो बेचारा वो गरीब एक ठेला लगाने वाला मजदूर आदमी है। अभी उसका कुछ भी समझ लो कुछ भी पास में नहीं है, ना घर है, ना पैसा है, ना कुछ भी नहीं है। क्या नाम है इसका? इसका पूरा नाम क्या है? जमीन ठेला लगा घर। आपका नाम बताइए, आपका घर क्या? जी हाँ, मेरा जमीन शेख नाम है सर। यहाँ कचरा जलाए थे बोलते, उसके वजह से झाड़ का अंगार लगी, झाड़ के वजह से घर का अंगार लग गया सर। क्या क्या नुकसान हुआ? अंदर नकदी हमारा 1.5 लाख रुपए था सर, और हमारे भाई के भी कुछ थे और पूरा डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे घर के। क्या क्या जला? पूरा हमारा पूरा सभी जला समझ लीजिए सर, पूरा डॉक्यूमेंट, घर के कागज वगैरह। ये आमदार से क्या मदद चाहिए? आमदार से बस हमारी इतनी मदद, हमारा मकान बन जाए सर। पहले झोपड़ा था हमारा, हमको सर कुछ थोड़ा सा कुछ हमारे को कुछ करिए हमारे लिए मदद सर। कुछ गरीब हम हाथ ठेला लगाते सर, फुटपाथ को धंधा करते हैं, फल फूल वगैरह बेचते सर। आपका नाम बताइए? मेरा जमील शेख, बाबू शेख। रहना दही बाजार दलालपुरा बीच का पुलिया। GL टूर्स एंड ट्रेवल्स करे धार्मिक एवं पर्यटन यात्रा भेड़ाघाट, बनारस, चित्रकूट, अयोध्या, प्रयागराज, अमरकंठक। साथ ही 7,001 रुपए भर कर अपनी सीट आज ही बुक करें। संपर्क करें सुंदरलाल यादव 9890332559 और बलराज यादव 9373212061। आर ऑफिस एड्रेस, पार्वती नगर, रामेश्वरी रिंग रोड, नागपुर।